काम किया सर? सीपीयू लगाया, पावर एसी लगाया। आज के दिन क्या किए? डबल टेकर किया आपने? हाँ सर। क्या आ गए आपका तो धंधा चौपट हो गया होगा उतने में। नहीं सर, वो सर तो कुछ मालूम ही नहीं था। दस सेट आए तो बन गया दो तीन, वो भी कैसे बना खुद को ही मालूम नहीं है। तो कि दुकान बंद करने में फायदा है कि घाटा है सच बता? सर फायदा है सर। फायदा है ना? फायदा है सर। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 अक्टूबर, ये है यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरे साथ में एक स्टूडेंट आकाशदीप। आकाशदीप कहाँ से आप? आसाम से सर। आसाम से, क्या आपका कहना है? ये बात स्माइलिंग फेस गजब का है और ऐसा होना भी चाहिए। तो मुझे बताओ आकाश, क्या करते थे आप? सर दुकान था जी, लेकिन सर जो नॉलेज वो कुछ भी नहीं था सर। अभी यहाँ पे जो मिला पहले सर कुछ। कब से काम कर रहे थे? करीब सर 5 साल हो गए। 5 साल से आकाश काम कर रहे थे। आप सच बताओ, आज जो आप यहाँ बैठे हो, अगर ये दो साल या 3 साल पहले आते तो क्या होता? सर तब तो अलग ही लेवल में रहते सर। रहते कि नहीं रहते? हाँ सर। आपके अब जाने के बाद में लेवल चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज हो गया सर। पक्का? अभी चेंज हो गया। अभी तो मुझे बताइए कि आपने जब दुकान पे काम करते थे तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं घर पे ऑनलाइन बैठ के सीख लेता हूँ? मेरे को डेली मैसेज आते हैं 4-5 की, सर ऑनलाइन सिखाते हो क्या? ऑनलाइन सिखाते हो क्या? मैं दुकान नहीं छोड़ सकता। आपकी दुकान है ना? दुकान है सर। तो आपने क्यों छोड़ के आ गए? आपका तो धंधा चौपट हो गया होगा उतने में। नहीं सर, वो सर तो कुछ मालूम ही नहीं था। 10 सेट आए तो बन गया दो तीन, वो भी कैसे बना खुद को ही मालूम नहीं है। तो ऐसा काम करने का क्या मतलब, जब आप दिन में 10 रुपए कमा सकते हो और आप सिर्फ 2 रुपए लेके जा रहे हो और 6 रुपए तो दे ही रहे हो डेली के, क्योंकि जो सेट अगर लोगों पे आता है और आप उस पे गलत हीट करके उसको डेड कर रहे हो तो वो तो आपको पे करना पड़ता होगा। हाँ सर, पे करना पड़ता है। तो ऐसा काम क्यों? तो एक बार बताओ, उन लोग को बताइए कि दुकान बंद करने में फायदा है कि घाटा है सच बता? सर फायदा है सर। फायदा है ना? फायदा है सर। क्योंकि जो काम अच्छे तरीके से कर पाओगे तो ही तो मजेदार है ना। शुरू से कहावत है, वो कहते हैं सिंधियों में या फिर बनियों में कहते हैं कि कभी भी अगर लाइफ में कुछ भी करना है ना तो पहले सीखो और उसके बाद में करो, क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी भी धंधे में उतर जाओगे ना तो पैसा बर्बाद ही करोगे। ऐसा सही कह रहा हूँ कि? चलो ठीक है, तो मुझे बताइए कि किस डेट में आते हैं आप? 26 तारीख को सर। 26 तारीख को, आज क्या डेट है? 24 तारीख सर। 24 तारीख, एक लगभग एक महीना हो गया। एक महीना हो गया सर। लाइफ क्या काम किया है आपने? सर सीपीयू लगाया, पावर एसी लगाया। आज के दिन क्या किए? डबल टेकर किया आपने? हाँ सर। आपसे कहा था हमने नैंड प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, क्या वाकई में नैंड प्रोग्रामिंग सिखाया सर? तो समझ में आई है? एक हो गया, चलो दिखा दिया, ये बोल दिया। नहीं सर, समझ में आ गया। अभी तो सॉफ्टवेयर तो सब में कुछ सिर्फ हार्डवेयर में सीसी वगैरह चेंज करते थे, फोल्डर लगाते थे बस वही, और अगर फुल शॉटिंग है तो कुछ कुछ सेट में तो कर लेते, बाकी तो रह जाता। शॉटिंग वाले सेट तो बना ही लेते हैं कैसे करके, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो मालूम नहीं था सर, और एमएमसी का कुछ भी मालूम नहीं था। अभी तो पूरा सीख हुई एमएमसी सर, मस्त हुई सर। अच्छा, ब्लैक पेस्टर तो अभी सर एकदम कोई भी पेस्ट दे दे सर, व्हाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, सब निकाल कर सही से। सबने सर, सब लड़कों ने किया सर। और हमने कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने वीवो ओप्पो के बोर्ड उठाया तो हमने मना कर दिया ये मत करो? नहीं सर, नहीं। हमने यही बोला ना, जितना जो बोर्ड ला सकते हो वो बोर्ड लाओ। हाँ सर। चलो ठीक है, क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट आना चाहेंगे तो? सर अगर सही से सीखना है, नॉलेज अपना बढ़ाना है और अगर अपने एरिया में अपना नाम रखना है तो एशिया टेलीकॉम आना है सर। अच्छा। हाँ सर। चलो ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा आकाशदीप, जहाँ से जाने के बाद मेहनत करो और अच्छा नाम कमाना। थैंक यू वेरी मच। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? हमने डबल टेकर किया सर। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने?
यूनिवर्सल पेंसिल से? यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर, आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस, कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।